दोस्तों आज मार्केट में कई सारी पिज्जा कंपनीज मौजूद हैं, लेकिन जब बात आती है अफोर्डेबिलिटी की तो डोमिनोज पिज्जा का नाम टॉप पर आता है। आज डोमिनोज पिज्जा 90 से ज्यादा देशों में अवेलेबल है, और अगर बात करें इंडिया की तो ये पिज्जा मार्केट के करीब 70% हिस्से को कैप्चर किया हुआ है। अब दोस्तों पिज्जा कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे डोमिनोज के अलावा और कोई बना ही नहीं सकता। इनफैक्ट इंडिया में आज हर एक गली और नुक्कड़ पर छोटे छोटे पिज्जा शॉप दिखी जाते हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर डोमिनोज में ऐसी क्या खास बात है कि कोई भी लोकल या इंटरनेशनल ब्रांड इसको बीट नहीं कर पा रहा। इसके साथ दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब डोमिनोज के 2 एम्प्लॉयज की गंदी हरकत की वजह से लोग डोमिनोज पिज्जा का नाम भी नहीं सुनना चाहते थे, और ये कंपनी कंगाली के कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन डोमिनोज ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के दम पर इस मुश्किल से भी बाहर निकल गया, और आज के इस वीडियो में हम डोमिनोज की उन्हीं कमाल की स्ट्रेटजीज को जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि डोमिनोज की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। दोस्तों ये बात है साल 1960 की, जब अमेरिका के रहने वाले 2 भाई टॉम और जेम्स ने मिलकर एक छोटा सा पिज्जा शॉप खरीदा। दोस्तों उन्होंने इस पिज्जा शॉप को डोमिनिक डिवार्टी नाम के व्यक्ति से खरीदा था, और आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे इस नाम से इन्फ्लुएंस होकर इस शॉप का नाम डोमिनोज पड़ा था। दोस्तों दोनों भाइयों ने तय किया था कि वो अपने इस बिजनेस के आधे आधे काम को आपस में बांट लेंगे, लेकिन जेम्स उस समय एक फुल टाइम पोस्टमैन की जॉब करते थे, इसलिए थोड़े समय बाद उनके लिए बिजनेस और जॉब एक साथ संभालना मुश्किल हो गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने सिर्फ उस जॉब की खातिर एक कार के बदले में टॉम को अपनी पूरी हिस्सेदारी दे दी। इस तरह दोस्तों अब बिजनेस की पूरी ऑनरशिप अकेले टॉम पर आ गई। अब टॉम चाहते थे कि वो इस बिजनेस को इसके पुराने नाम डोमिनिक्स पिज्जा से ही रन करें, लेकिन डोमिनिक डिवार्टी ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। फिर एक दिन टॉम के एक एम्प्लॉय के कहने पर उन्होंने इससे मिलता जुलता नाम डोमिनोज पिज्जा रख दिया। दोस्तों डोमिनोज के पिज्जा लोगों को शुरुआत से ही पसंद आ रहे थे, और इसलिए इस कंपनी की ग्रोथ भी बहुत तेजी से हो रही थी। शुरुआत के 23 साल तक टॉम ने अपने बिजनेस को सिर्फ अमेरिका के अंदर रखा, लेकिन साल 1983 में कनाडा के अंदर, उसके बाद 1985 में यूनाइटेड किंगडम व जापान, और फिर देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही सालों में डोमिनोज पूरी दुनिया में फैल गया। दोस्तों दूसरी कंपनीज की तरह डोमिनोज भी समय के साथ लगातार ग्रो करती रही, लेकिन 2000 डेकेड्स डोमिनोज का सबसे मुश्किल दौर रहा, और ये वो समय था जब अमेरिका में डोमिनोज पिज्जा का कोई नाम भी नहीं सुनना चाहता था। इसके पीछे दोस्तों 3 रीजंस थे। पहला ये कि वो पिज्जा की उन्हीं पुरानी रेसिपीज को यूज कर रहा था जिससे वो 1960 के दौरान पिज्जा बनाया करता था। दोस्तों पहले के समय में लोगों को वो रेसिपीज पसंद आते थे, लेकिन न्यू जनरेशन डोमिनोज के उन पिज्जा से बिल्कुल खुश नहीं थे, और इसी के चलते इंटरनेट पर हर जगह डोमिनोज के सिर्फ नेगेटिव रिव्यूज ही पाए जाते थे। इसके अलावा साल 2008 में आए फाइनेंशियल क्राइसिस ने भी डोमिनोज को बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इसकी वजह से डोमिनोज का स्टॉक प्राइस बुरी तरह क्रैश होकर 92% डाउन चला गया था। अब दोस्तों डोमिनोज के ये प्रॉब्लम्स खत्म भी नहीं हुए थे कि तभी इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो गई, जिसमें डोमिनोज के 2 एम्प्लॉयज बेहद गंदी तरीके से पिज्जा बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। ये दोनों पिज्जा को अपनी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट से टच कर रहे थे कि उसको देखकर लोगों को घिन आ गई। हालांकि दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एक प्रैंक करने के लिए शूट की गई थी, लेकिन इसके वायरल होने से डोमिनोज की कमर टूट गई। अब दोस्तों इस सिचुएशन से निकलने के लिए डोमिनोज ने जो स्ट्रेटजी अपनाई वो शायद कोई दूसरी कंपनी नहीं कर पाती। दरअसल डोमिनोज के सीईओ पैट्रिक डॉयल ने लोगों के खराब रिव्यूज को इग्नोर नहीं किया, बल्कि लोगों के सामने आकर पहले तो अपनी गलती को पूरी तरह एक्सेप्ट किया, और फिर उन गलतियों को सुधारने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने फीडबैक के लिए उन कस्टमर्स को इनवाइट किया जो उनके पिज्जा से काफी डिसअपॉइंटेड थे, और इस फीडबैक के दौरान उन कस्टमर्स ने डोमिनोज पिज्जा की खुलकर आलोचना की। उन कस्टमर्स ने पिज्जा के बारे में जो जो नेगेटिव बातें कही, डोमिनोज ने उन सभी पॉइंट्स को नोट किया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि डोमिनोज के शेफ्स बिना कोई छुट्टी लिए अगले 18 महीनों तक इन्हीं कमियों पर काम करते रहे, और इसके बाद डोमिनोज ने अपनी रेसिपी से लेकर सप्लाई चेन तक सब कुछ चेंज कर दिया। दोस्तों एक मल्टीनेशनल कंपनी में इतना बड़ा बदलाव करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन डोमिनोज ने इस काम को भी सिर्फ 18 महीने में करके दिखाया। इसके बाद दोस्तों पैट्रिक डॉयल्स ने 2 ऐसे वीडियो कैंपेन्स लॉन्च किए जिसका नाम था पिज्जा टर्न अराउंड एंड ओ यस वी डिड। इन वीडियोस के जरिए उन्होंने लोगों को दिखाया कि किस तरह उन्होंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके अपना सारा फोकस उसे सुधारने पर लगा दिया। दोस्तों इस वीडियो में देखा गया कि डोमिनोज के हेड शेफ्स अपने डिसअपॉइंटेड कस्टमर्स के घर पर खुद पिज्जा लेकर गए और उन कस्टमर्स को अपने नए पिज्जा टेस्ट करवाए। दोस्तों डोमिनोज का ये नया पिज्जा लोगों को काफी पसंद आया, और इस तरह ये कैंपेन पूरे अमेरिका में सक्सेसफुल हो गया। दोस्तों इस कैंपेन के बाद अगले 1 महीने के अंदर डोमिनोज का स्टॉक प्राइस 44% ऊपर चला गया था, और 3 महीने के अंदर इसकी सेल्स 15% बढ़ गई थी, और दोस्तों डोमिनोज ने इसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली स्टेबल रहने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है, और इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट एक अच्छा ऑप्शन है, पर इसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, और इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 5paisa, क्योंकि 5paisa का UI काफी सिंपल टू यूज है एंड ये वन ऑफ द लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्काउंट ब्रोकर है। यहाँ पर आपका 0% ब्रोकरेज लगता है एंड ये FNO और इंट्राडे में 20 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज करते हैं।
दोस्तों 5paisa का कस्टमर सपोर्ट काफी अच्छा है, साथ साथ ये आपको स्टॉक रिकमेंडेशंस भी देते रहते हैं। और दोस्तों उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, जब मार्केट कभी भी ऊपर और नीचे जाता है तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है SIP मोड। और 5paisa का वन ऑफ दी बेस्ट फीचर है स्टॉक SIP। जब आप ऐप ओपन करके माय अकाउंट सेक्शन में जाकर स्टॉक SIP पर क्लिक करते हैं तो आपको दिखेंगे टॉप स्टॉक्स। एंड मान लीजिए आपको INFI में इन्वेस्ट करना है तो आप डेली, वीकली, मंथली किसी भी लेवल पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मान लो आपको डेली एक स्टॉक खरीदना है तो आप उसी हिसाब से अपना स्टॉक SIP क्रिएट कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि मार्केट जैसा भी रहे आपको एवरेजिंग पर बेनिफिट मिलता रहेगा, और जब भी मार्केट वापस से सूट अप करना स्टार्ट होगा तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना अकाउंट ओपन करें एंड अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को यहां से बेटर बनाएं। खैर दोस्तों ये तो बात हुई कि कैसे डोमिनोज ने अमेरिका के अंदर इतनी बुरी तरह गिरने के बाद फिर से मार्केट पे अपनी पकड़ बना ली। चलिए अब जानते हैं कि डोमिनोज आखिर इंडिया में इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो कंपनी वेस्टर्न कंट्रीज में सफल है वो एशिया में भी सक्सेसफुल हो ही जाएगी। दोस्तों डोमिनोज ने इंडियन मार्केट में सबसे पहले 1996 के दौरान एंटर किया था, जिसका पहला स्टोर नई दिल्ली में ओपन हुआ था। लेकिन आज की बात करें तो इस समय इंडिया के करीब 300 शहरों में डोमिनोज के 1400 से ज्यादा स्टोर्स मौजूद हैं, और इंडिया डोमिनोज के लिए वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट बन चुका है। अब दोस्तों ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, इसके कई रीजंस हैं। भारत के अंदर डोमिनोज के सक्सेस का पहला रीजन ये था कि उसने हम इंडियन के टेस्ट को बहुत अच्छी तरह पहचान लिया था। दरअसल डोमिनोज को ये पता चला कि भारत के लोग खाने में बिल्कुल डिफरेंट स्पाइसेस का यूज करते हैं, और उसे शुरुआत में ही ये समझ आ गया कि इंडियन मार्केट में उसके अमेरिकन रेसिपीज वाले पिज्जाज नहीं चलने वाले, और इस तरह ये लोकल और वेस्टर्न टेस्ट का एक परफेक्ट बैलेंस बनाने में कामयाब हो गए। इसके बाद दोस्तों डोमिनोज ने दूसरी चीज ये नोटिस की कि इंडिया में लोग स्टोर में आने की जगह अपने घर बैठकर पिज्जा खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए एक तरफ जहां पिज्जा हट जैसे बड़े बड़े ब्रांड अपने डाइनिंग को बेहतर बनाने पर काम कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ डोमिनोज ने अपना मेन फोकस इस चीज पर लगाया कि पिज्जा के डिलीवरी को कैसे बेहतर और फास्ट बनाया जा सकता है। दोस्तों आप में से काफी लोगों ने इस बात को नोटिस भी किया होगा कि पिज्जा हट के स्टोर्स डोमिनोज के कंपैरिजन में ज्यादा प्रीमियम होते हैं, जबकि डोमिनोज के ज्यादातर स्टोर्स छोटी छोटी जगहों पर नजर आते हैं। इसका रीजन ये है कि पिज्जा हट शुरुआत से ही डाइनिंग से होने वाली सेल्स पर डिपेंडेंट रहा है, जबकि डोमिनोज का मेन बिजनेस मॉडल होम डिलीवरी और टेक अवे ऑर्डर्स पर डिपेंडेंट है। और दोस्तों यही वजह है कि इंडिया में आने के सिर्फ कुछ सालों के बाद ही डोमिनोज ने अपनी 30 मिनट सुपर फास्ट डिलीवरी को लॉन्च कर दिया था। 30 मिनट्स या तो फ्री। दोस्तों डोमिनोज का ये कैंपेन यकीनन आपको भी याद होगा, क्योंकि एक समय ये कैंपेन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इस कैंपेन के जरिए डोमिनोज ने ये प्रॉमिस किया था कि वो 30 मिनट के अंदर अंदर आपके घर तक पिज्जा डिलीवर करेंगे, और अगर 30 मिनट से ज्यादा समय लगा तो डोमिनोज उस पिज्जा को फ्री में देगा। दोस्तों मोस्ट ऑफ द केसेस में डोमिनोज 30 मिनट के अंदर पिज्जा डिलीवर कर देता था, लेकिन कभी कभार डोमिनोज जानबूझकर कुछ कस्टमर्स का डिलीवरी डिले कर देता था ताकि उस कस्टमर को पिज्जा फ्री में मिले, और फिर इसके लालच में आकर वो बार बार डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करता रहे। इसके अलावा दोस्तों डोमिनोज की थर्ड स्ट्रेटजी ये रही कि उसने अपने पिज्जास को लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया, क्योंकि डोमिनोज ने देखा कि भारत के छोटे शहरों में रहने वाले लोग भी पिज्जा पसंद तो करते हैं, लेकिन हाई प्राइस और एक्सेसिबिलिटी ना होने की वजह से वो पिज्जा नहीं खा पाते, और इसीलिए डोमिनोज ने अपनी पिज्जा का रेट 40 रुपए से शुरू किया ताकि लोगों के मन में ये परसेप्शन बने कि सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पिज्जा डोमिनोज ही बनाता है। अब दोस्तों 40 या 50 रुपए के छोटे पिज्जा पर डोमिनोज को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला था, और सच कहें तो उनसे वो प्रॉफिट कमाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो पिज्जा सिर्फ आदत लगाने का एक जरिया था जिससे कस्टमर्स को डोमिनोज के स्टोर पर बार बार लाया जा सके। क्योंकि डोमिनोज को मालूम था कि अगर एक बार कस्टमर उनके पिज्जा का आदी हो गया तो फिर वो कभी ना कभी 400 या 500 वाला पिज्जा भी जरूर खाएगा। और दोस्तों यही वजह है कि आज भी डोमिनोज की पिज्जा रेंज 59 रुपीज से शुरू होकर 839 रुपीज पर खत्म होती है। इसके अलावा दोस्तों टेक्नोलॉजी के मामले में डोमिनोज हमेशा दूसरी कंपनी से एक कदम आगे रहा है, और ये उसके सक्सेस का फोर्थ रीजन है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में ज्यादातर लोग जब इंटरनेट का नाम भी नहीं सुने थे तब डोमिनोज ने टेलीफोन कॉल्स के जरिए ऑर्डर लेना शुरू कर दिया था, और स्विगी व जोमेटो के आने से करीब 15 साल पहले डोमिनोज लोगों को 30 मिनट का पिज्जा डिलीवरी ऑफर कर रहा था। साथ ही अपनी ऐप और मोबाइल ऑर्डरिंग सिस्टम को भी सबसे पहले डोमिनोज ने ही लॉन्च किया था। इस तरह दोस्तों टेक्नोलॉजी से जुड़े हर एक फील्ड में सबसे पहले आने का डोमिनोज को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।